वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जो कि बेस्ड है हमारे पिछले वीडियो पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करा था और वहाँ पे मैंने आपको काफी कुछ एक्सप्लेन करने के बाद मैंने कहा था अब इस टॉपिक से मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और फिर हम टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। तो सवाल यह है कि व्हाई डू द सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज इन ऑल द इकोनॉमीज रिच और द पुअर। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज होती है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, है ना। तो ये इसका कारण ये है, हम ये बोल सकते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। तो आंसर भी यहाँ पे गिवन है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। भाई जो रिचर और पुअर सेक्शन है इनके बीच में कि हम यहाँ अगर कंपेयर करें तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज हो रही है, उसका दो ही कारण है। नंबर वन कि हमारे पास रिसोर्सेज एक तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और उस रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, इस तरह से इस्तेमाल करना है कि उससे जो बाकी चीज की अवेलेबिलिटी हो सकती है वो भी बन जाए या वो भी सबके लिए अवेलेबल हो जाए, है ना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था मिल्क का, मिल्क से हमें क्या क्या करना होता है, वी हैव टू मेक कर्ड ऑल्सो, वी हैव टू मेक बटर ऑल्सो, वी हैव टू मेक चीज ऑल्सो, है ना। तो अब जरूरी तो ना आपको मिल्क पसंद है तो मुझे भी मिल्क पसंद होगा, या फिर क्या हो सकता है आपको बटर पसंद हो लेकिन मुझे यहाँ पे चीज पसंद हो, तो इस तरह से हो सकता है। तो हमें हर चीज की अवेलेबिलिटी हर किसी के लिए करानी होती है ना, तो रिसोर्सेज के हम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो ये भी इसका एक कारण है और हम बोल सकते हैं उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द डिफरेंट इकोनॉमीज। सो हमारे अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई तीन तरह की हमारे पास इकोनॉमी होती है, नंबर वन मार्केट इकोनॉमी, फिर होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फिर होता है मिक्स इकोनॉमी। इंडिया जो फॉलो करती है वो क्या करती है, इंडिया फॉलोज अप द मिक्स इकोनॉमी, इंडिया फॉलो करती है मिक्स इकोनॉमी को, यानी कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, यानी प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है और साथ साथ ग्रोथ भी करनी है, यानी सोशल वेलफेयर भी करना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे मार्केट इकोनॉमी इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट फ्री छोड़ देती है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई आप क्या करो, जस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट करो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में। इसके अलावा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पर क्या करा जाता है कि गवर्नमेंट हर चीज पर कंट्रोल कर रही होती है। तो जैसे सपोज किसी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड रिसोर्स में हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमारे पास हमें हर चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सबको फ्री छोड़ देंगे तो वो रिसोर्सेज अपने तरह यूज करेंगे और वो खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर क्या चलेगा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चलेगी, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल चलेगा। अब कोई कंट्री ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनकी पॉपुलेशन भी कम है, उनकी डिमांड भी कम है ना, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सोचेंगे सिर्फ, है ना। तो वो क्या करेंगे, मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। इसके अलावा क्या है कि मिक्स इकोनॉमी, जहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी है लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म चलें और भी ज्यादा हम उसे सेफ लेके चलें, है ना, और सही से इस्तेमाल भी हो, वेस्ट भी ना हो। तो इस तरह की इकोनॉमी को उस कंट्री में फॉलो करा जा सकता है, जैसे कि इंडिया में हम मिक्स इकोनॉमी करते हैं, है ना, नॉर्थ कोरिया होगी सेंट्री, नॉर्थ कोरिया में क्या होगा कि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी फॉलो कर लेते हैं, वो मार्केट इकोनॉमी यूएसए का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई सेंट्रल है जो हमारे पास सेंट्रल सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसको सॉल्व करा जा सकता है किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके, डिपेंड करता है कि वहां पर रिसोर्सेस किस तरह से अवेलेबल हैं, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी अगला टॉपिक है, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें क्या सीखने वाले हम, इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ विच शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्स इन द इकोनॉमी। तो ये कह रहे हैं कि जो पीपीसी है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलने वाले हैं, इसे हम बोलेंगे शॉर्ट में पीपीसी, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे पीपीसी, जिसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, एक तरह का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो कॉम्बिनेशन को शो करते हैं जो कि किससे निकल कर आएगा, एक सिंगल रिसोर्स, जैसे कि एक पीस है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जैसे कि सपोज ये वो पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, हम इस पर या तो डैम बनाएंगे या फिर हम इस पर क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने ये पूरा लैंड 100% इस्तेमाल कर लिया डैम बनाने में, तो आप मुझे बताओ कितना परसेंट मैं क्रॉप्स को ग्रो कर पाऊंगा, आप बोलोगे सर 0%, है ना। तो इस तरह से हम कितने क्या करा, दो कॉम्बिनेशन चेक कर लिए, किसके थ्रू चेक कर लिए, एक सिंगल रिसोर्स, यहाँ पे सिंगल रिसोर्स क्या है, दैट लैंड, ठीक है। अभी मैं आपको अगर बोलता हूं कि जो मैंने डैम है वो मैंने इस पूरे 90% इस पूरे लैंड में का 90% यूज कर लिया डैम बनाने में, तो मैं कितने परसेंट एरिया में यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 10% एरिया पे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने 80% पे डैम बनाना है तो कितने परसेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ क्रॉप्स को ग्रो कर सकता हूँ, आप बोलोगे सर 20% पे। इसी तरह से 70-30 और इसी तरह से यहाँ पे 50 एंड 40। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे 10 को स्पेयर छोड़ रखा है,
है ना, तो यानी कि 50% अगर मैं लैंड यूज करता हूँ डैम बनाने के लिए, तो 40% मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्रॉप्स बनाने के लिए। मैं 50 भी कर सकता हूँ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन मैं अगर 40 ही करता हूँ और 10 स्पेयर छोड़ देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो मेरा रिसोर्स है, ये पूरा लैंड का पीस है, इसे पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करा है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, पूरा 100% यूज कर रहा था मैं, यहाँ पे भी 100% यूज कर रहा था, यहाँ पे भी 100% यूज कर रहा था, मतलब यहां तक मैंने क्या करा है, फुल्ली एंड एफिशियंटली इसे कॉम्बिनेशंस को पूरी तरह से चेक करा है। यहाँ पे हमारे पूरे रिसोर्स एफिशिएंटली यूज्ड हुए हैं, लेकिन जहां पे स्पेयर बच गया वहां पे वो क्या हुआ है, पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलिए आगे समझते हैं अब इसको डायग्रामेटिक के थ्रू। एक डायग्राम है हमारे पास, ये जो डायग्राम है किसका डायग्राम है, पीपीसी का ही डायग्राम है। पीपीसी जो ड्रॉ होता है वो कैसा होता है, ये हमारा वाई एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये बनता है लेफ्ट टू द राइट डाउनवर्ड, ये बनता है लेफ्ट टू द राइट डाउनवर्ड। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी है जो हम अभी चेक करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे। ये जो लाइन आ रही है हमारे पास पीपीसी की, आप देख पा रहे होंगे है ना, तो इस पे कुछ यहाँ पे जीरो जीरो या पॉइंट या डॉट लगे हुए है ना। तो जो ऑन द लाइन पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सारे कॉम्बिनेशन हम एफिशिएंटली चेक कर चुके हैं, या फिर हम ये क्या है, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं जिसकी हम पॉसिबिलिटी चेक कर चुके हैं। लेकिन कोई भी पॉइंट इसके बाहर होगा, अगर किसी भी जगह अगर मैं यहाँ पे बना दूं, जैसे ये हमारे पास कर्व है तो मैं इसमें यहाँ बनाता हूँ बाहर कहीं पे भी, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी कि ये कॉम्बिनेशंस अभी तक हमने ट्राई नहीं करे हैं, जो भी लाइन के बाहर है वो कॉम्बिनेशंस अभी तक हमने ट्राई नहीं करे हैं। क्यों नहीं ट्राई कर पाए हैं, हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेस की कमी थी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या है, जो भी अगर मैं पॉइंट अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ या ऑन द लाइन लगा देता हूँ, तो वो ऑन द लाइन वाला तो क्या कहलाएगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन जो कि क्या है, फुल्ली यूटिलाइज्ड है। ऑन द लाइन वाला क्या कहलाएगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन जो कि फुल्ली यूटिलाइज्ड है। और अंडर द लाइन वाला क्या कहलाएगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा, लेकिन कहलाएगा अंडर यूटिलाइज्ड, क्योंकि उसे हमने पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल गिवन है, इसको भी फटाफट से रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट, कहते हैं ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी डायग्राम आर द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं जितने भी पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास ऑन द लाइन, वो सारे क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, और उसके अंदर भी जो है वो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। When the given resource and the technology, तो कह रहे हैं भाई ये जितने भी हैं हमने किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, assumption रहता है हमारा कि भाई टेक्नोलॉजी गिवन होगी, resources हमारे पास गिवन होंगे, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं पीपीसी को ड्रॉ करते हैं। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ टू गुड्स, ये कह रहे हैं कि भाई जो भी पॉइंट क्या रहेगा इस पॉइंट लाइन के बाहर रहेगा वो हमारे लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी जिसे हमने अभी तक ट्राई नहीं करा। कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। अब आपके टीचर क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो सकता है व्हाट इज पीपीसी, तो आप डेफिनेशन बता देंगे, डायग्राम बना देंगे, इसके बाद अपने एक टेबल मैंने आपको बताया वो भी आप उसमें यूज कर लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए उसका एक ऑल्टरनेट नेम पूछ लेंगे, जैसे कि भाई डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या फिर डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। आंसर क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, ये ऑल्टरनेट नेम है। पीपीसी को हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, हम उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अजम्पशन ऑफ पीपीसी, जब हमें पीपीसी को ड्रॉ करना होता है तो कुछ अजम्पशन होती है जो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, कि पीपीसी तभी बनेगा जब हमारे पास रिसोर्सेज गिवन होंगे, रिसोर्सेज शुड बी गिवन या रिसोर्सेज आर गिवन, एंड गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। यानी कि हम पीपीसी तभी ड्रॉ करेंगे जब एक तो नंबर वन हमारे पास रिसोर्सेज गिवन हो, जैसे मैंने आपको पीपीसी ड्रॉ करने के लिए बताया कि मैंने आपको एक रिसोर्स दिया था, वो क्या था, लैंड है ना, फिर उससे हम डैम या क्रॉप्स को चेक कर पा रहे थे। तो इस तरह से रिसोर्सेज गिवन होने चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए, और जो उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है वो रिमेन कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, जो भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे वो चेंज नहीं होनी चाहिए उस मोमेंट में जब हम क्या कर रहे हैं पीपीसी को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी ये जो टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, स्टे ट्यून्ड।